नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम बात करने वाले वेटनरी एच डी है उसकी जो पेमेंट सीट है मैनेजमेंट सीट है उस पर एडमिशन प्रोसेस की तो देखिए यदि आप पेमेंट सीट या मैनेजमेंट सीट पे आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले उस कॉलेज में विजिट करिए जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना हो जी दोस्तों राजस्थान में टोटल बी कॉलेज है एटी कॉलेज है जिस भी कॉलेज में आपको पेमेंट सीट या मैनेजमेंट सीट पर एडमिशन लेना हो तो उस कॉलेज में खुद जाइए और वहाँ पर जाके आप आराम से बात करिए कि सर मेरे को पेमेंट सीट या मैनेजमेंट सीट पर एडमिशन लेना है तो बता देंगे दोस्तों आपको कितनी फीस लगेगी क्या होगा दोस्तों फीस की बात करें दोस्तों तो सब कॉलेजों की अलग अलग होती है दोस्तों फीस ये कॉलेज कॉलेज के कोलेज वाले के वाले ऊपर डिपेंड करता है है कि वो कितने आपसे लेता है। जी दोस्तों दोनों साल के कितने लेता है दोस्तों आपका कॉलेज वाला यदि जानकार है आपका तो वो कम भी फीस ले सकता है यदि जानकार नहीं है तो ज्यादा फीस भी ले सकते हैं दोस्तों ये सब कुछ डिपेंड करता है कॉलेज वाले के ऊपर और आपके ऊपर कि आप उनको कैसे बातचीत करते हो कैसे क्या उनको हैंडल करते हो दोस्तों यदि कॉलेज की फीस की बात करें तो देखिए दोस्तों जैसे अभी ये दीनबंधु कॉलेज है अलवर वाली इसकी फीस है चालीस हजार दोनों साल की फीस हो गई इसकी अस्सी हज़ार दोस्तों फीस फीस हो गई अस्सी हज़ार इसके अलावा वो एक्स्ट्रा कितने लेते हैं उस सीट के दोस्तों कोई कॉलेज वाला है बीस हज़ार में ही मान जाता है कोई तीस में भी कोई चालीस में भी कोई पचास में भी और कोई दस में भी मान लो यदि कॉलेज वाला आपका जानकारी हो खासी हो तो दस हज़ार में वो मान जाए बीस में ही मान जाए दोस्तों कई स्टूडेंट कई स्टूडेंट्स हैं जो डेढ़ डेढ़ लाख में कर रहे हैं पेमेंट सीट पे एडमिशन ले ले चुके हैं दोस्तों कई स्टूडेंट जिन्होंने किसी ने एक लाख चालीस हजार में लिया है किसी ने डेढ़ लाख में लिया है किसी ने एक साठ में लिया है किसी ने एक अस्सी में लिया है दोस्तों ये सब कुछ डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर कॉलेज में कितनी सीटें हैं और कॉलेज का माहौल कैसा है क्या है वो दोस्तों सब कुछ कॉलेज वाले के ऊपर डिपेंड करता है इसके ऊपर हम कुछ नहीं बता सकते कि कितनी है मैनेजमेंट सीट की फ़ीस रहेगी तो आप कॉलेज में कॉन्टेक्ट करिएगा और आप एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों इसके ऊपर जो मैनेजमेंट या पेमेंट सीट है उस पर तो दोस्तों आगे बात करें हम तो जो थर्ड लिस्ट है दोस्तों सेकंड लिस्ट आ गई है अब थर्ड लिस्ट की बात करें दोस्तों तो थर्ड लिस्ट है अभी तक दोस्तों कॉन्टेक्ट किया है मैंने तो दोस्तों यही बोल रहे हैं कभी तो बोलते हैं दोस्तों कभी कॉल करते हैं तो कि लिस्ट आएगी कभी बोलते हैं नहीं आएगी दोस्तों खुद कंफ्यूज कर रहे हैं यूनिवर्सिटी वाले तो दोस्तों इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते आएगी या नहीं आएगी दोस्तों अभी शीतकालीन अवकाश चल रहा है तो आप वेट करिए दो तीन दिन शीतकालीन अवकाश पूरा होने के बाद हो सकता है शायद लिस्ट आ जाए या नहीं आए अभी कुछ कह नहीं सकते उनके हेल्पलाइन नंबर है अठारह सौ जी दोस्तों हेल्पलाइन नंबर आप दोबारा नोट करिए अठारह सौ एक सौ ये हेल्पलाइन नंबर है इन पर आप खुद भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि कब तक लिस्ट आएगी दोस्तों हमें तो कुछ इन्फॉर्मेशन अभी तक मिली नहीं है जैसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको तुरंत अवगत करा देंगे लेकिन अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि थर्ड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी लास्ट ईयर की बात करें दोस्तों तो लास्ट ईयर भी थर्ड लिस्ट नहीं आई थी केवल दो ही लिस्ट आई थी और जो खाली सीटें रह गई थी उनको डायरेक्ट कॉलेज वाले हैं वही उनको पेमेंट सीट पर मैनेजमेंट सीट पर डायरेक्ट ही एडमिशन दे दिए थे और जो पेमेंट सीट की फ़ीस है वो भी ज़्यादा नहीं लिए थे अब इस बार का कुछ कह नहीं सकते दोस्तों तो आपको जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना हो पेमेंट सीट या मैनेजमेंट सीट पर तो आप ख़ुद उस कॉलेज में कॉन्टेक्ट करिए वहां पर जाइए और उनसे ही पूछिए दोस्तों उनको हैंडल करिए कि कितनी क्या फीस लगेगी कैसे क्या डिस्कस करना है दोस्तों वो सब कुछ आप खुद करिए ज्यादा फीस नहीं लगेगी दोस्तों चालीस से पचास हजार रुपये एक्स्ट्रा लेंगे जो फीस है उसके अलावा जी दोस्तों जो फीस है उसके अलावा चालीस से पचास हजार रुपये आपके एक्स्ट्रा लेंगे तो लगभग एक लाख से दो लाख के बीच बीच में आपका काम हो जाएगा दोस्तों यदि किसी कॉलेज की फीस है एक लाख बीस हज़ार है तो तीस से चालीस हज़ार रुपये ज़्यादा लेंगे इतना ही था आज के वीडियो में धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में जय हिंद जय भारत